तो मैथ जो है ना, अभी देखो आपने कभी भी अपने ज्योग्राफी में आपने कुछ मैप देखा होगा, ज्योग्राफी में यू माइट हैव सीन मैप्स, करेक्ट? उसमें देखो कुछ कुछ सिंबल्स रहते हैं, ठीक है? तो मैं उसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप देख लो, गूगल मैप तो सबने देखा होगा ना, करेक्ट? गूगल मैप सबने देखा होगा, यहाँ से ये रोड ऐसे गई है, ये रोड ऐसे गई है, सो लाइक दैट। तो मैप सबने देखा है, करेक्ट? तो अब ज्योग्राफी में जब हम मैप्स बनाते हैं ना, स्पेशली दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू ज्योग्राफी, तो जब भी हम ज्योग्राफी में मैप्स बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे अगर मुझे हमें जो है सर लेजेंड के अंदर से तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर रिवर बनाना है, ठीक है, रिवर बनाना है तो आप रिवर कैसे बनाओगे? तो पहले तो एक मैप के लिए आप एक बाउंड्री बना लो, ठीक है? ठीक है, अब आपको अगर मान लो एक रिवर बनाना है, आपको मोड़ा मोटा रिवर बनाना है, ठीक है? तो आप ऐसे बना दो, कुछ तो ऐसे रहेगा रिवर, मान लो थोड़ा मोटा बना देते हैं, यहाँ से रिवर जा रहा है अभी रिवर, ठीक है? अब आपको मालूम है कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज भी जा रहा है, रोड वोड कुछ तो है, ठीक? तो आप ये कैसे बना सकते हो? या अगर मान लो आपको दिखाना है कि यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो रेलवे ट्रैक कैसे बनाते हो मैप में? रेलवे ट्रैक ऑलमोस्ट ऐसे बनाते हो ना मैप में, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ पर दिखाना है कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि एक टेम्पल है, आपको दिखाना है यहाँ पर एक टेम्पल है, तो टेम्पल एक सिंबल बना दो, बस टेम्पल का सिंबल ऐसे बना दो, जस्ट सर टेम्पल का वो हाँ ऐसे बना दो, यस जैसे ऐसे सिंबल, यस ठीक है? यस सर ठीक है, यस अब सर आपको दिखाना है यहाँ पर एक रोड जा रही है यहाँ से, ठीक है? तो अब आपको दिखाना, ये सपोज ये यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है? तो स्टेशन दिखाना है तो यहाँ पे दिखा दो, एक ऐसे बिल्डिंग रेलवे स्टेशन, ठीक? अब आपको दिखाना है कि यहाँ से एक रोड जा रही है, ठीक है? रोड ऐसे जा रही है, तो रोड के लिए आप सिंपल यू कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। आपको दिखाना है यहाँ से एक दूसरी रोड भी जा रही है, तो ये दिखा दो, तो दूसरी रोड दिखा दो, तो यहाँ से दूसरी रोड जा रही है, यहाँ से दूसरे से ऐसा दिखा सकते हो ना, जैसे यहाँ पर ऐसे दिखा दो, तो ठीक है? तो लाइक दिस यू कैन। अब अगर आपको यहाँ पे ब्रिज दिखाना है, तो ब्रिज का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज सिंबल फॉर ब्रिज? ब्रिज का सिंबल कुछ तो दिखा दो यहाँ पे, ब्रिज का सिंबल मतलब ऐसे दिखा दो, ब्रिज का सिंबल लाइक दिस, लेट्स से दिस सिंबल फॉर ब्रिज, तो लाइक दिस। तो अब मैप में आप रोड्स बना सकते हो, रिवर्स बना सकते हो, रेलवे ट्रैक बना सकते हो, ठीक है? बट हिल्स कैसे बनाओगे? हिल कैसे बनाओगे? हाउ डू यू ड्रॉ हिल्स? कॉन्टूर लाइन मेथड यस। नाउ हिल्स के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज कॉन्टूर लाइन। सर ठीक है, लेयर टिंटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं ना? कौन सा? लेयर टिंटिंग मेथड मींस दैट कलर वाला। हाँ, तो कंटूर मेथड आपको करना है, लेयर टिंटिंग आल्सो यू कैन डू, दैट्स आल्सो ओके। मतलब अलग अलग कलर अलग अलग हाइट बना बताता है, बट उसका जो बेसिक है वो कंटूर से ही आ रहा है, ठीक है? सर जो मैथ में इम्पोर्टेंट इंडेक्स भी होता है। हाँ यस यस यस। तो कई सारी चीजें होती हैं। तो सपोज अगर आप एक मैप बना रहे हो, ठीक है, और इस मैप में आपको हिल दिखाना है, तो हिल आप कैसे दिखाओगे? हिल आप एक कंटूर से दिखाओगे। कंटूर कैसे रहते हैं? आपने देखो, आप ज्योग्राफी का कोई भी मैप उठा के देख लो, करेक्ट? या जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक करके एक सोसाइटी है, जो कि इंडिया की जितनी भी जगह उन सबका सर्वे करते रहते हैं वो लोग, यहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है एंड ऑल दैट, करेक्ट? तो उनका अगर आप मैप उठाओगे तो आप देखोगे उनके मैप में ना कभी कभी ऐसे ऐसे लाइन्स बनी रहती है, ऐसे ऐसे करके लाइन्स यस श्योर रहती है। ये जो यस लाइन्स होती सर है क्या होती है? ये लाइन्स जो होती है दे आर कंटूर कंटूर लाइंस कंटूर लाइंस है ये, ठीक कंटूर लाइंस यस है? अब कंटूर ये लाइंस क्योंकि हम मैप में अगर मुझे एक हिल दिखाना है, तो हिल में ऐसे थोड़ी ना दिखाऊंगा, हिल ऐसे थोड़ी ना दिखाऊंगा मैप में, ठीक है? तो मैप में हम सर हिल्स को कैसे दिखाते हैं? मैप में हिल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं, जिसको हम कंटूर लाइंस भी बोलते हैं, यस, ठीक है? तो अब देखो इस हिल का, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एक और, कभी वो ऐसा आपने जो ये डायग्राम निकाला है वो उसमें ऐसे नंबर भी लिखते हैं। हाँ बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट।
आई एम कमिंग. नंबर नंबर कैसे लिखते हो मैं बता रहा हूँ अभी आपको. हाँ जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ठीक है. तो सपोज आपको एक ऐसा हिल को दिखाना है अभी आपको ठीक है. मैं आपको एक ऐसा हिल है इसको आपको दिखाना है ठीक है. इस हिल को आप कैसे दिखाओगे मैप में. तो उसके लिए क्या करो आप. तो देखो क्या करो इसके लिए. व्हाट आई विल डू इज तो इस वाले पार्ट को लो. यहाँ पे कैसे लाइन ड्रॉ कर दो. यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे. यहाँ पर ठीक है. अब इस पॉइंट को यहाँ पर लो. इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा ठीक है. अब इस पॉइंट को यहाँ पर लो और इस पॉइंट को देखो यहाँ पर लो. तो इस पॉइंट को यहाँ पर लो. इस पॉइंट को यहाँ पर ले लो. इस पॉइंट को यहाँ पर लो. इस पॉइंट को ठीक है. तो जब आप ड्रॉ करोगे मैप कंटूर को जनरली ब्राउन कलर की लाइन से आपने देखा होगा बना रहता है करेक्ट. तब सपोज हिल को जब आप ऊपर से देख रहे हो एरोप्लेन से जब आप देख रहे हो तो हो सकता है आपको हिल कुछ इस तरह से दिखाई दे. ऊपर से हो सकता है आपको हिल कुछ इस तरह से दिखाई दे. यस सर. और यहाँ पे बीच में एक चोटी करेक्ट. हिल से देखोगे तो ऐसे हिल ये दिखाई देगा ना. समझो आप हिल इसको टॉप व्यू से देख रहे हो तो हिल कैसे दिखाई देगा. ऐसा दिखाई देगा. और यू नो यहाँ पे इसकी कहीं तो चोटी रहेगी लाइक दिस ठीक है. ऐसे दिखाई देगा ना एरोप्लेन से व्यू का व्यू देखोगे. yes, sir, ये हिल आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. yes, यहाँ पे कंटूर इसका जो कंटूर बनेगा. yes, sir. इसको रहने देते हैं चलो ठीक है. तो अगर मैं इसकी इन दो लाइंस को ज्वाइन करता हूँ तो कैसे मैं बना सकता हूँ इसको. मैं ऐसे बना सकता हूँ ना. मतलब जो भी हिल का शेप है जो आपका टॉप व्यू से दिख रहा है वैसे मैं बना सकता हूँ. कैसे भी रह सकता है. अब देखो ये वाला यहाँ से इसको मुझे ज्वाइन करना रहेगा ना. तो अब मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँगा. इसको यहाँ से ऐसा ठीक है. इसको मुझे अगर ज्वाइन करना है तो इसको मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लूँ ठीक है. इसको मुझे ज्वाइन करना है तो इसको थोड़ा नीचे ले आओ. इसको एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. यहाँ तक यार. तो अभी ऑलमोस्ट इसका ठीक है. ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा. और पीक पे आते आते दिस इज लाइक दिस ठीक है. समझा. और अगर ये पीक दिखाना है इसका तो पीक आप फिर ऐसे दिखा दो. फिर एक छोटा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दो. ये वाला पॉइंट दिखाना है. ठीक है. तो ये ऐसे दिखा दो. फिर ये पॉइंट ऐसे दिखा दो. शो दिस पॉइंट लाइक दिस. ठीक है. समझ में आया. तो ये जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं कंटूर लाइंस. अब हो सकता है ये आपका 100 मीटर हो ठीक है. ये हो सकता है 200 मीटर हो. हिल पे जब आप चढ़ोगे तो डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है 200 मीटर है. हो सकता है 300 मीटर पे हो. ये 400 मीटर पर हो. और हो सकता है इसकी जो चोटी है ऊपर वाली ये 500 मीटर पर हो. छोटा सा हिल है ये ठीक है. तो यहाँ पर आप फिर कैसे दिखाओगे इसको. नंबर कर दो यहाँ पे. बस नंबरिंग के लिए आप क्या करो यहाँ पे लिख दो. ये तो 100 मीटर है ना. 100 लिख दो यहाँ पर. यहाँ पर 200 लिख दो. फिर यहाँ पे 300 लिख दो ठीक है. यहाँ पे 400 लिख दो. और यहाँ पे 500 लिख दो लाइक दैट. यस नाउ सर कैन यू अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन सो दैट यू कैन सी. एक हिल कैसा है. दिख रहा है ये हिल कैसा है आपको. जेंटल yes, है थोड़ा. इसका कंटूर लाइन देखो कैसा है. तो अगर आप ऐसा कंटूर लाइन देखोगे तो आपको क्या समझना है. ये हिल का शेप ऐसा होगा कुछ तो. और यहाँ पर देखो आप जो कोई तो दिख रही है. सर हमको दिख रही है. ये जो है ना दिस इज बेसिकली माई दिस इज व्हाट. ये कंटूर लाइन ऐसे आपको दिखाई देंगे मैम ठीक है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. देखो ये कैसा है. ये जो स्लोप है ना कैसे थोड़ा जेंटल टाइप का स्लोप है. जैसे कंटूर लाइंस देखो कैसे थोड़ा जेंटल है ठीक है. आई मीन दूर है थोड़ा. लाइंस जो है थोड़ा फार अपार्ट है ठीक है.
तो अगर लाइंस, अगर आपको एक मैप में ऐसा दिया हुआ है, और ठीक है चलो ये मैं बताता हूँ आपको, पहले दूसरा वाला देख लेते हैं, देन आई टेल यू दिस थिंग। और यहाँ पर देखो थोड़ा स्टीप स्लोप है ये, देखो उसकी स्लोप ऐसे थी, इसकी स्लोप ऐसी है। ऐसी है ना, यस तो ये ज्यादा स्टीप है। सर, तो स्टीप स्लोप देखो बहुत पास पास में है, इसके जो लाइंस है ना, दिख रहा है आपको? यस यस। ठीक है, तो पास पास में। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ, तो कंटू आपको कंटू लाइंस ऐसे दी गई हैं, सपोज ऐसे है, और यहाँ पे एकदम पास पास बना दिए, यहाँ पे दूर दूर बना दिए इसने, तो किस साइड ज्यादा स्टीप है स्लोप, किस साइड ज्यादा स्टीप है स्लोप? इस साइड ज्यादा स्टीप है स्लोप, यहाँ पर स्लोप जेंटल है, जेंटल स्लोप, और यहाँ पे कैसे स्लोप है, यहाँ पे स्टीप स्लोप। स्टीप ठीक है, ओके। और एक डायग्राम देखते, देखो इसका ये क्या है, ये एक ये दिसम हिल, इसका इन्होंने ऐसा बनाया कंटूर, तो ये हिल का ऐसा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिख लो आप लोग, ये समझ में आया होगा ना आपको? तो इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, प्लीज राइट डाउन देम। तो अब पहला पॉइंट ये लिख लो कि अगर लाइंस बहुत पास पास में, तो मतलब क्या हुआ, स्लोप इज स्टीप। क्लोजनेस ऑफ लाइन इंडिकेट्स क्लोजनेस ऑफ कंटूर लाइन्स इंडिकेट दैट स्लोप इज स्टीप। ठीक है, और इस तरह के जो वैलीज कैसे रिप्रेजेंट करते कंटूर में, सपोज वैली मतलब क्या हुआ, एक सपोज एक ये हिल है, ये वैली होती है ना आपकी, आपको मालूम होगा ये वैली होती है, यस तो वैली को आप ऐसे बना दिखाते हो कंटूर में, मतलब मैं जैसे एक रफ स्केच बता रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक वैली है। ये वाले जो पार्ट है ये वैली है, दिस इज अ सर, इट वैली, इज लुकिंग लाइक आई आई अच्छा आई की तरह दिख रहा है, ठीक है, बट एनीवेज दिस इज यस लाइक अ वैली। एक हाँ, तो आप बोल दो आई लाइक स्ट्रक्चर, अगर आपको दिख रहा है तो इट्स लाइक अ वैली। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आपको वैली है, करेक्ट। यस सर। और तीसरा पॉइंट लिख लो, हाइट और मार्क, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, लाइक दैट, मीटर करेक्ट। तो लाइंस में जो नंबर्स रहते हैं, नंबर्स इंडिकेट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, नंबर्स ऑन कंटूर गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू हाइट ऑफ हिल फ्रॉम ग्राउंड। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। यस तो जैसे अगर अगर मान लो ऐसे एक डायग्राम बना दिया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यस अभी यहाँ पे बहुत पास पास में बना दिया इसने, और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर बना रहा है, वो देखो कंटूर यहाँ पे बहुत पास पास में बना रहे हैं, किस साइड की स्लोप स्टीप सर, जिधर पास पास ये है? यस, तो तो यहाँ दिस इज रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप एंड दिस इज काइंड ऑफ अ जेंटल स्लोप। जेंटल ठीक है, अब देखो, यस। अब सपोज एक कैसे कंटूर बनाया मैंने, ठीक है, अब सपोज ये 100 है, ये 200 है, ये ये 300। 300 है, ये 400 है मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जस्ट सी वन थिंग, अगर उसने पूछा है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो बताओ कितना डिस्टेंस होगा, हाइट ग्राउंड से हाइट, मतलब हाइट कितनी इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट और इस पॉइंट की हाइट कितनी है, 400 माइनस का 300। ठीक है, बस यस सर। के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे आपको। ठीक है, चलो यस सर।